वेलकम टू द व्लॉग एवरी वन, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई चैनल पे अगेन विद द न्यू व्लॉग। अब आप लोग बोलते रहोगे कि यहाँ से कहाँ से व्लॉग चालू हुआ है, तो व्लॉग चालू हुआ है यहाँ से क्योंकि गाड़ी का टायर सामने वाला हो गया पंक्चर। और स्टार्ट यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम आज कहीं बाहर जाने वाले हैं, उससे पहले गाड़ी वॉश होगी, फिर श्रीमन भाई आएंगे, फिर हम उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे उनके साथ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे गाइस? तो हम लोग यहाँ थे कि हम जा रहे हैं एक चीज़ देखने श्रीमन भाई के साथ, मोस्ट प्रोबेबली या मे बी, देखते हैं, हमको पता नहीं है वो चीज़, बट जाते हैं तो आपको पता तो चल जाएगा। उसके साथ साथ अभी गाड़ियाँ वॉश के लिए जा रही है, फिलहाल तो पहले पंक्चर है या नहीं इसका कंफर्मेशन ले ले। पंक्चर होगा तो पंक्चर निकलेगा, और नहीं होगा तो वॉश को जाएगी गाड़ी। बट पंक्चर है, हर बार हवा तो कोई निकालेगा नहीं ना, पंक्चर तो है, देखते हैं। वॉश तो हो ही रहा है, बट श्रीमान भाई भी आ चुके हैं, बट श्रीमान भाई गए हैं दूसरी जगह, मतलब यही गए बाजू में, वो आएंगे। बाय द वे मौसम फुल बारिश वाला मौसम हुआ है, फुल भयंकर डेंजर वाला मौसम हुआ है। अभी श्रीमान भाई आते तो मैं दिखाता हूँ, पूरा गियर पहन के आए हम लोग, शायद बाइक्स पे जाएंगे, मज़ा तो आएगा अगर बाइक्स पे जाएंगे तो, संभरण एक शेख तक। अभी अपनी गाड़ी एकदम चकाचक हो गई है जान, एकदम सेक्सी। और अब इसका तो हो गया, अभी मुक्की हिमालयन धोने को दिए। बाय द वे ये मैंने इंस्टॉल करवाया था अभी रिसेंटली गाड़ी में, ये और ये इसका काम करता है, क्या बोलते हैं, हैज़र्ड लाइट्स का काम करता है। और ये तो नॉर्मल अपनी डिब्बी है ऑयल की, बाकी तो गाड़ी एकदम चकाचक हो गई है। अभी गाड़ी में बहुत सारे काम है, लाइक गाड़ी का भी फ्रंट वाला जो मडगार्ड है ना वो चेंज होने वाला है, और एक डिब्बी लगने वाली है ऑयल की, और क्या है टायर चेंज होने वाले दोनों भी, और जो बैक का मडगार्ड है वो निकलने वाला है क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है। अभी बैक का मडगार्ड निकालेंगे, बैक का जो नंबर प्लेट वाला जो बड़ा है ना वो निकालेंगे, उसके जगह छोटा लगाएंगे, और उस पर ही दोनों इंडिकेटर्स भी लगाएंगे पीछे के, तो वो एक हो जाएगा। ऐसे दो चार काम हैं, फटाफट करवा लेंगे। और वो बंदे देखो गाड़ी को देख रहे हैं, थोड़ी गाड़ी लुक में तो है अपनी क्वीन। भाई ने इंस्टाग्राम आईडी लिया है अभी जस्ट, और दोनों ने अभी वो इंस्टाग्राम चेक कर रहे कि बाइक्स किधर है अपनी, क्या है। हाँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है मुझे अभी, एक वो डाल देता हूँ पहले तो बाइक वॉशिंग की। और देखो कौन आ गया, ब्लॉग बनाते हाँ नहीं अपन जाना ना। अपनी बाइक बहुत दिनों बाद वॉश हुई है, मुझे उसके लिए सॉरी भी फील हो रहा है, और अभी मुझे अच्छा भी फील हो रहा है कि फाइनली वो वॉश तो हो गई एटलीस्ट। तो अभी कुछ नहीं, अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके जो प्लान होगा वो समझेगा, और हम लोग वैसे वैसे निकलेंगे, तो देखते हैं अभी मूव का क्या प्लान है। हमारा तो डन है भाई, मेरे को तो जाने का है वो एक चीज़ देखने को, वो होने के बाद एक फ़ोटोशूट होगा, और फोटोशूट के बाद स्ट्रीम। The next day. So guys, as I said, कि vlog आज continue हो रहा है, एक second. हाँ, तो vlog आज continue हो रहा है, और हम आए हैं जो बन रहा है एक होटल, एक ज़बरदस्त होटल बन रहा है, और कहाँ है ये बताता हूँ, उससे पहले हम उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या सीन है। मैं पहली बार आया हूँ, और अभी भाई करुण भाई आते रहते हैं व्लॉग, उनके आते रहते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं तुमको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सा दिख रहा है ये, अभी काम जब होगा तब मेरे को नहीं पता, बट अभी तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब जब ये होटल बनेगा ना, रुपाना बिल्ला मज़ा आएगा, तब चिल करने के लिए कभी भी इधर ही आएंगे, बाकी कुछ नहीं। देखते अभी अंदर जाके क्या क्या सीन है, कैसा कैसा सीन है। मैंने इनका नाम लिया है, इधर ही ये देखो, ये कमीने लोग प्लान करके कैसे आ गए इधर।
चला चला पूरा चला काम चल रहा है, काम चल रहा है। ए फार्म हाउस के ब्रो, ए बड़े होटल के फार्म हाउस पर कर लो भाई, होटल बनने वाला जबरदस्त है। मतलब फार्म हाउस देख मैं कैसे अभी रिसोर्ट प्रॉपर बनने वाला है। हाँ जी, जेने करून किसी को टेंशन नहीं आए। अभी बोलने की इसमें क्या क्या बोला गया मालूम नहीं। ए हाँ इसी तालू वाला करे ब्रो, भाई बनने तो वाला है जबरदस्त। अभी जब भी चिल करना रहेगा हम लोग सब इधर ही आएंगे। अभी स्विमिंग पूल का काम चालू, स्विमिंग पूल का काम चालू करने वाले अभी। आज आज ही ना, कितने दिन में होगा? हो जाएगा 8 दिन में, हो जाएगा 8 दिन में हो जाएगा। इधर नीचे स्विमिंग पूल है। वाड़ा वाओ वाओ वाड़ा वाओ वाओ वाड़ा। ट्राइपॉड चश्मा का काट ला यार ब्रो। माझ्यावर काय वॅल्यू? ये जगह क्या है? ये जगह है आयशी का अड्डा, असे बोले जाते फार्म हाउस। काय रे जब भी आयशी करनी है इधर आ सकते। हो गया ना? अभी भाई अभी कितना टाइम लगेगा इसको अभी बनने को? पूरा किचन के लिए अभी 2 दिन लगेगा। नहीं आज का किचन फाइनल, नीचे का पूरा फाइनल हो जाएगा। किचन का वो बन रहा है क्या पूरा ब्रैकेट भी के? तो उसके बाद कल जाएंगे उधर, किधर उधर से सामान लेके इधर बांधेंगे। उसके लिए 2-3 दिन लगेगा, 5-25 मतलब 1-2 हफ्ते में फार्म हाउस रेडी होने वाला है। यस शोमा डक्के टोटल कंप्लीट ऑफ जनरेशन। डेविल क्या लग रहा है? संडे इधर आने का, चिल करने का, वापस बूट कैंप भागने। भाई ये भाई स्टे दे, ये बेस्ट है। संडे आने का, चिल मारने का, पेड़ भीड़ काम पे लगने का। फिर मैं अंदर से, मेरे को लगता है अगर मैं इधर आया संडे बिंडे को तो मैं अंदर से ज्यादा भारी रहूंगा। चलेगा ना, कोई बात नहीं, बेस्ट है। लेकिन इधर इधर भी इधर बेस्ट है, एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है अगर हम लोग इधर चिल करने आते तो। हाय पे हे पेरूचे झाड आहे सारे। भाई होटल बन रहा है, होटल मुझे हर संडे चाहिए इधर बुकिंग। और क्या क्या चाहिए? फ्री में चाहिए और स्विमिंग पूल इधर चाहिए। फ्री में तो नहीं इदर, मिल इदर सकता पर तुमको चार्ज लगेगा भाई। 101 रुपया चाहिए बड़ा वाला, 101 रुपया चार्ज लगेगा। तो 101 51 लो। फ्री में अगर फ्री में धंधा करूंगा तो भाई मेरा धंधा की तरह जीतेगर भाई की तरह 101 रुपया ले लेगा। 151 दूंगा। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर पर्सन है 151 तो मतलब 302 देना पड़ेगा क्या? तीन लोग को दो आएगा, एक आएगा इसके साथ और कोई आएगा। 25 ना भाई, मेरे को लगा ये हम लोग को लेके आने की बात कर रहा है। ये तेरे को क्यों लेके आएगा? अरे मेरे को लगा मैं नोबिता और ये स्विमिंग पूल तुम लोग को लेके, तुम लोग को थोड़ी लेके वो डूबेगा उसमें। छी भाई गंदा है भाई ये लड़का। अरे इसको नाच में मत लग, गंदे लोग है भाई इन लोग। खुद का प्लानिंग चल रहे। मैं गंदा नहीं है, मैं मेरा उल्टा बिजनेस हो रहा है। ये मेरा ये कस्टमर है तो कस्टमर हैप्पी रहेगा तो मैं हैप्पी रहूंगा। इधर क्या जकूजी बनने वाला है? कस्टमर प्राइवेसी में रखता हूँ, ये हमारी प्राइवेसी है। मेन है, अच्छी प्राइवेसी है। हर संडे अपना बुकिंग इधर है। इधर जकूजी है ना, रूम नंबर 302। दूसरा बताने वाला हूँ कुछ तो, उधर स्विमिंग पूल बनाऊंगा, इधर वो दूसरा वाला तो आप ही रिवील नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा। पता तो गोपर कुठे? अरे ब्लॉगिंग करना भाई, ब्लॉगिंग भी ठीक है। अभी भाई कौन? अभी भाई कौन सा अभी भाई? अभी जोशी। अच्छा शूटिंग मीटिंग करेगा थोड़ा, तेरा डेड हुआ चैनल जागा होगा बाकी कुछ नहीं। मेरे पास लाइक ही ना। चलो निकलते,
चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, अभी दैट्स इट फॉर टुडे मतलब अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ। इधर से बाहर जाने के बाद मुझे और कुछ काम है, जैसे कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है और बहुत दो तीन काम है वो करेंगे, फिर रात को स्ट्रीम तो है ही। और अभी निकलते हैं, मैं बूट कैंप जाके व्लॉग एंड करता हूँ पद्धतशीर। सो गाइस ये वाले व्लॉग में इतना ही था, मैं अभी आया हूँ घर पे और इसका एक ज़बरदस्त अलग व्लॉग बनने वाला है। तो ये अगर व्लॉग आपने एंजॉय किया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और बहुत सारे व्लॉग आने वाले राड़े होंगे, मज़ा करते हैं। कुछ तो भी देखता हुआ जा रहा है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। दोस्तों ये देखो कबीर सिंह, देखो कबीर सिंह।